नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशारद नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर गुरु से। आइए जानते हैं मिथुन राशि का ये वीक कैसा रहेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए अपने धन को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। इस वीक में यदि कोई अपना व्यक्ति भी पैसा मांग रहा है तो अपने धन को संभाल के रखिएगा, अन्यथा आपके पैसे की शॉर्टेज आपको हो सकती है। विशेषतः बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जो किसी प्रकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन व्यापार में कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, तो अपना पैसे को ध्यान से खर्चा करिएगा या किसी प्रकार का फ्रॉड होने के भी चांसेस इस वीक में दिखाई देते हैं। अपने धन के व्यवहार को करते समय परिवार के सदस्य को सम्मिलित जरूर कर लें, आपको लाभ निश्चिंत होगा। विशेषतः जो व्यक्ति व्यापार में अपना काम बढ़ाना चाहते हैं वो इस वीक में थोड़ा सा शांति से काम करें। इस वीक में आपके व्यापार में आप कम इन्वेस्टमेंट करिएगा। यदि किसी प्रकार के ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा भी हो तो बाहर से लोन ले सकते हैं, घर का पैसा अपने व्यापार में मत डालिएगा। यदि आप अपने पत्नी को अपने व्यापार में सम्मिलित करना चाहते हो तो निश्चिंत ही उनके भाग्य से आपका व्यापार बढ़ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए इस वीक में अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। आपका अपने कलीग के साथ किसी प्रकार का कलेश ना हो, उनके साथ किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट ना हो, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अन्यथा भविष्य में वो आपके बारे में कुछ गलत सोच रखेंगे जिस वजह से आपका नुकसान बढ़ सकता है। इस वीक हो सके तो पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। नए प्रोजेक्ट के पीछे भागते समय आपका पुराना काम रुक जाए ऐसा कदापि ना करें। विद्यार्थी गणों को विशेषता अपने कार्य को करते समय या अपने अभ्यास को करते समय फोकस को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना जरूरी है। जो व्यक्ति विवाह की इच्छा रखते हैं उनको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, आने वाले समय में आपके कार्य निश्चिंत बनेंगे। तो माँ सरस्वती और माँ भगवती की यदि स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चिंत ही आपके दोष दूर होंगे। नमस्कार।